हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रेजी टीवी 24। वेल दोस्तों, अक्सर ही देखा गया है कि बिग बॉस के जो प्रोमोज में होता है वो अंदर शो में नहीं होता है, कुछ उसका विपरीत ही देखने को मिलता है। जी हाँ, और ऐसा ही कुछ हुआ है आज के टास्क में। दरअसल टास्क हो रहा था हंसी खुशी की, जंगल वासियों को मिलने वाला था मौका घर के अंदर जाने का, लेकिन ये क्या, मैप तो चुरा लिया गया। जी हाँ, जो मैप मिला था जंगल वासियों को, जिसके अकॉर्डिंग फुटप्रिंट थे उसमें, उसके अकॉर्डिंग गुफा के ज़रिए उन लोगों को रास्ते ढूंढने थे, और उसके ज़रिए वो जिस दिन इस रास्ते को कंप्लीट कर लेते खुफिया रास्तों से, उस दिन वो घर के अंदर पहुंच जाते। लेकिन यहाँ पे प्रतीक और निशान शमिता, जो कि अंदर मेन है घर में रह रहे थे, उन लोगों ने मैप को छुपा दिया। वैसे में सारा का सारा जो था वो गुस्सा जंगल वासियों का प्रतीक पे फूटता हुआ नज़र आया। सभी ने अंदर जा कर के पूरा घर तहस नहस कर दिया। जंगल वासियों ने घर को लॉक कर दिया ताकि ये तीनों बाहर ना निकल सके। और तो और जय भानुशाली और प्रतीक में जमकर लड़ाई हुई, और वहीं पे प्रतीक जो हैं काफ़ी ज़्यादा भिड़ते हुए नज़र आए जय भानुशाली से। वहीं करण कुंद्रा की भी प्रतीक से फाइनली बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, क्योंकि करण कुंद्रा काफ़ी टाइम से देख रहे थे, क्योंकि प्रतीक को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज करण कुंद्रा का भी काफ़ी गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दिया प्रतीक शेजपाल पे। जय भानुशाली और प्रतीक की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई, कॉलर वाला किस्सा हुआ कि मेरा कॉलर क्यों पकड़ा ऐसा वैसा, और उसमें प्रतीक ने अपने आप को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर लिया कि उन्होंने कांच वांच तक फोड़ डाला है। जी हाँ, प्रतीक शेजपाल, मेरे को गाली क्यों दी, मेरी माँ की गाली क्यों दी, एक ही बात को रिपीट कर करके खुद को वो इंजर्ड करते हुए नज़र आए प्रतीक शेजपाल। आप देख सकते हैं कांच वांच सब तोड़ डाला उन्होंने, और उसके बाद वो स्मोकिंग एरिया में जाकर उन्हें समझाया गया। करण कुंद्रा वगैरह ने उन्हें समझाया काफ़ी, तब जाके वो समझे। हालांकि इस बीच जय भानुशाली ने कहा कि अगर वो उसने मुझे मेरी कॉलर पकड़ी है उसके लिए सॉरी बोलेगा, तो मैं भी हर चीज़ के लिए उसे सॉरी अभी के अभी बोलूँगा। तो क्या कहेंगे आप, क्या प्रतीक जय भानुशाली में कौन था सही कौन था गलत, कमेंट में ज़रूर बताएँ।